काल कान बंद कर आवाज आएगा। हेलो नमस्ते वालेकुम वाला मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। कल हमारे क्यूटीज का पहला दिन था और ये हमें पता था कि होने वाला है, एक्सपेक्टेड था, मुझे पता था, इसी चीज का डर था और एक्सपेक्टेड खेलते रहते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:20 और मैं, सुफियान और शफीक, हम लोग जब भी इस कमरे में आते हैं एक गंदी सी बदबू आती है, तो हमें क्या लगा था कि पहले जो हमारे ये दो बच्चे लोग हैं ना, ये गंदगी जो करके रखे थे उसी से बास आ रही है। तो हमने क्या किया, इससे हमने यहाँ पर क्लीन किया, यहाँ पर लैला ने अड्डा बना लिया था तो हमने इसको अच्छे से क्लीन किया लाइजोल डाल के पूरा। फिर उसके बाद में उन्होंने यहाँ किया था टट्टी, तो ये भी साफ किया और उसके बाद लगा कि यार बदबू चली गई है, है ना, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि लाइजोल आया था, फिर से पास आ रहा है। तो फिर मैंने ढूंढा हर कोने कोने में, ये इसके नीचे ढूंढा, इसके नीचे ढूंढा, नहीं मिला। यहाँ पर एक कोना और है, इसके नीचे ढूंढा, यहाँ पर भी नहीं मिला। यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ, शफीक ढूंढ रहा है और फाइनली जाके मैंने ढूंढा, इनको गू मिल गया। कहाँ मिला बताओ, कहाँ मिला, कैसे देखा, फिर जो नजारा मिला मेरे को उधर, तो यहाँ ये कोना है, यहाँ पर वो वाले कोने में वो उधर पे इसने कर दिया। और ये मेरे को 110% पता है ये लैला ने किया है। लैला तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? लैला की बात से पहचान सकते कि वो लैला का है। लैला ये बहुत खेलती है और ये मेरे पास ही होती है, देखो 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 देखो। लेकिन यहाँ पर डोमिनेटिंग जो है वो, वैसे भी डोमिनेटिंग कौन होता है, शेर नहीं होती है, ये शेर नहीं है। चलो तुम लोग खेलो, एंजॉय करो। देखो यार एक सीरियस बात है, ठीक है, सब साइड में, ठीक है, दिस इज द सीरियस टॉक, कम कम हियर। जैसे अपन खाना खाते हैं तो बर्तन एक दिन तुम धोते हो, ऐसे अपन बारी-बारी से। ना 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 ब्रो, आई नो व्हाट यू। आज मेरा पहला दिन, क्योंकि तुमने ऑलरेडी पाला हुआ है तो तुमको एक्सपीरियंस है, तो आज के दिन ये जितने भी टट्टी करेंगे, सुसु करेंगे, तुम साफ करोगे, तुम्हें सिखाओ पर एक हफ्ते तक, एक दिन मैं करूंगा और एक दिन ये करेंगे, एक हफ्ता सिखाओ पर, नहीं भाई एक दिन, एक हफ्ता सिखाऊंगी उसे अपन, एक हफ्ता सीखा, एक हफ्ता, वाह वाह बेटे, मतलब तुमको बचपन में एक हफ्ता लगा था सीखने के लिए। जब भी खुद ही का बारी बारी जाएंगे, अभी आज दिखा, अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। सेकंड जो करेगा अब जाओगे, थर्ड फिर ये, हम तीनों मिलके पालेंगे ना, अपने ही बच्चे, थोड़ा सिखा देता हूँ तुमको, सजेशन तो तुम्हारा ही था ना, है ना। अरे कुछ नहीं है, है ना, कुछ नहीं है ना, सुख क्या है ना, ठीक है, सुख के बारे में नहीं है, वो भी जानवर ही है ना भाई, संदास संदास क्यों था। जब अपने बच्चे का संदास हाथ पे आएगा ना तब सुनो पता चल। इनको भी शर्म आता है ना, इसलिए चुप के जाके रहा, किसी को पता ही नहीं चला। यहाँ पर तुम कहीं पे भी भाग सकते हो, यहाँ पर सब बेशर्म है, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। ये लड़की इसलिए ज्यादा शर्मा रही है, तो कहीं भी करता है ना। ओके टेक केयर, गुड नाइट। जिस तरह से गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, उसी तरह से जो ये खुशी आपको चाहिए, इसके लिए आपको टट्टी तो साफ करनी पड़ेगी ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड आई लाइक इट, मेरे को ऐसा कोई खराब नहीं लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। कल रात को मैं तो मजे से सोया, हमारे क्यूटीज मेरे बाजू में आके आराम से प्यार से सो रहे थे, लेकिन इनकी हालत खराब थी। बताओ थोड़ा तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे क्यूटीज आके ऐसे मार रहे थे बेटा, काट भी रहे थे कान को, तो सोने दिए नहीं उन लोगों ने, नहीं 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 सोने दिया, कम से कम 50 बार तो ऐसा डिस्टर्ब करके नींद तोड़ दिया पूरा। तेरे साथ क्या, इसके साथ भी कुछ हुआ बता, 3-4 बार तो उठाए मेरे को भाई, सो रहा था पेट पे चढ़ रहे ना ना आके यहाँ पे बाजू में गद्दे में आ रहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर तुम लोग की मोहब्बत सच्ची रहेगी ना, तुमको परेशान नहीं करेंगे, जैसे मेरी मोहब्बत सच्ची थी। सडनली क्या हुआ भाई, उन लोग का असली बाप मैं हूँ, तुमको भी अगर बाप बनना है, अगर तुम भी चाहते हो कि वो तुमको परेशान ना करे, तो तुम्हें प्यार देना पड़ेगा, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। एक प्यार देंगे उसको, पकड़ो पहले दिन इतना प्यार देना कि पेट पे घुस गया, छोटे मिला उसको, सो रहो पैर पे ऐसा गुदगुदी कर रहे, अभी क्या हुआ, उनकी गुदगुदी गुदगुदी लगती है। हे हेलो, मत कर। वेल अभी मैं जा रहा हूँ घर पे और इनको लेके जाना है मम्मी को दिखाने के लिए। मेरे पास कोई प्रॉपर बकेट नहीं है, बॉक्स नहीं है जिनमें डाल के इनको लेके जाऊँ मैं, तो मैंने यहाँ पर मेरे जो बॉक्सेस होते हैं जिसमें मतलब हेलमेट वेलमेट में रखता हूँ, तो उसमें से एक बॉक्स था रॉयल इनफील्ड का, इसमें से मैंने हेलमेट निकाल दिया है और ये काफ़ी सही है, मतलब इस पर आप देखेंगे तो स्पंज है, यहाँ पर कपड़ा और रख देंगे इसके अंदर, हमारे दोनों बच्चे लोग इसके अंदर आ जाएंगे और इसको हम पूरा नहीं ढकेंगे, इसको हम इतना ही रखेंगे ताकि वो सांस ले सके। आज देखते हैं मम्मी का रिएक्शन कैसा है। एक रिस्क ये भी है कि अभी इन्होंने खाना खाया है तो
कर सकते हैं इसके अंदर टट्टी सुसु, लेकिन ठीक है ना, बॉक्स ही तो है। पकड़ो 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 पकड़ो, आजो आजो आजो। कैसा लग रहा है? उधर उसके नीचे, उसके नीचे। नहीं नहीं, बाहर मत दिख लो, बाहर मत दिख लो। अरे अरे, ओए इसको बांध के रखना। अरे पकड़ो, भाग गया। आ गया मेरे दोस्त, पकड़ो। सिर्फ थोड़े टाइम के लिए तुम लोग। सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, हाँ सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। ओके, क्या फुर्तीले यार, ज्यादा खाना खिला दिया लगता मैंने उन लोग को। भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ। अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइज के लिए हमारे घर के सारे मेंबर्स रेडी हैं। मम्मी लाऊं? लाओ। ओके ओके, आप लोग सब इधर आओ, तुम्हारे लिए बहू लाया। सच्ची में इसमें है सरप्राइज। दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। डरने वाली चीज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, डरने वाली। खाली कान बंद कर, आवाज आएगा। ये तुम्हारा गोरा बेटा, वो तुम्हारा काला बेटा। ये सलीम, ये समीर। ये कहाँ मिले? ये शब्बीर ने दिया। शब्बीर? हाँ। हमारा घर में इतना सारा बिल्ली है, ये सब अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं। आप बोलेंगे नहीं, बाप तो बाप बेटा भी निकला। ये वो वाले घर के घर में, इधर इसके लिए नहीं है। सर पर ये बिल्ली फेंक दे के थक गए हम लोग। ऐसा करो लोग और नहीं लो ना। हाँ, नहीं छू सकते होता है, बिल्ली हाथ नहीं लगा सकते। अरे इन लोग ने वजू करके आया। वो तो है सुफिया ना, ये तो और आगे। कौन सा लेंगे सुफी? ब्लैक? हमारा घर में इतना सारा बिल्ली है, इसको गोल्डन बोलेंगे। परेशानी हो गया हम लोग। माला पे देखो बिल्ली, नीचे देखो बिल्ली। तो ये पाल रहे उधर? हाँ। ये काम मत करना, वो ऑक्सीजन एक्सपेक्ट समझे। ये सुफिया ने जैसी नहीं है, मतलब खाना खाओ पहले तो मोबाइल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मम्मी का जो रिएक्शन था ये मुझे पहले से पता था, क्योंकि मम्मी को बिल्लियां और कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑलरेडी डैड ने इतने सारे बिल्लियां पाल के रखी है, उनसे ऑलरेडी परेशान है। एक परेशानी मैंने और ऐड कर दी, लेकिन माँ का दिल देखो, माँ का दिल देखो। बच्चे का दिल रखने के लिए और आप लोग का दिल रखने के लिए उन्होंने क्या बोला? कैसा लगा? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा? गुस्सा होना बंद है, सिर्फ कैमरे के लिए बोल रहा था। कैमरे के लिए बोल रहा ना? नहीं, अच्छा लगा, अच्छा लगा। बेटा का खुशी है तो माँ का भी खुशी हुई है। बच्चे के लिए माँ क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते है। वो कुत्ता लाने वाला था? नहीं ऐसा वो नहीं बोल रहा। अभी आपने बोला ना मेरी खुशी, तो एक कुत्ता तो लेके आऊंगा मैं। कल वाले ब्लॉग में हमने एक टारगेट रखा था लाइक्स का और कमेंट्स का, आप लोगों ने पूरा किया, नो डाउट्स पूरा हुआ, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर पूरा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कि जो हमारे कट्टर वाले एमएसकेएंस हैं उनको ये गेम खेलने में मजा नहीं आ रहा है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम लाइक्स और कमेंट्स का टारगेट नहीं रखेंगे आगे से वीडियो में। फीचर्स कमेंट वाला भी जो फीचर हमने रखा है वो भी हम नहीं रखेंगे। ब्लॉग का फीचर्स कमेंट आपको दिखाएंगे, ये है आपके स्क्रीन पर। मैंने आप लोगों से मांगे थे नाम के सजेशंस हमारे क्यूटीज के लिए, तो नाम के सजेशंस बहुत आए। कुछ नाम ऐसे जिनको पढ़ते ही मेरे को हंसी आ गई। एक का नाम टिक, एक का नाम टॉक। टिक टॉक, ब्लैक वन इज R1 एंड द गोल्डन वन इज टाइगर। एक का नाम पबजी सब्जी, ये ज्यादा ब्रांडी एंड बिस्की। एक का नाम कबीर एंड प्रीति। थैंक यू सो मच, इसमें से हम कोई नाम नहीं रखेंगे। शब्बीर ने जो नाम रखा था लैला और मजनू, वही सुनने में अच्छा लग रहा है। बस एक उदय शेट्टी हो जाता तो पूरा वेलकम मूवी मैं यहाँ पर बना देता। जो सिल्वर है मेल, दैट इज मजनू। जो गोल्ड है फीमेल लैला। जिस तरह से हमारे गोल्ड प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन, उसी तरह से हमारा लैला एंड मजनू। बस अभी हमें एक हीरा चाहिए, डायमंड। उस टाइम पे भी, उस टाइम पे एक कुत्ता ले लेते क्या? मम्मी तो मारेगी, बहुत मारेगी मम्मी।
एज अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर बाइकर मेरे लिए कंटेंट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बट इस लॉकडाउन के समय में ना मैंने कंटेंट बनाना सीख लिया, मैंने खुश रहना सीख लिया। और मेरी तरह क्या, हर इंसान अभी मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, हर इंसान सफर कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है, लेकिन हर इंसान मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, चाहे वो हमारे जवान हो, चाहे वो डॉक्टर, सफाई कर्मचारी या फिर आम नागरिक, पॉलिटिशियन, हर इंसान मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। देखो क्या ना कि जब हमें भगवान कोई प्रॉब्लम देता है ना तो उसका 10 सोल्यूशन भी देता है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं करना है, हमें सोल्यूशन ढूंढना है, तो सोल्यूशन मिल जाएगा हर इंसान को। और एक टाइम आएगा पता है जब हम लोग इस लड़ाई से जीत जाएंगे और हमारे अच्छे वाले दिन आएंगे, और उस टाइम पर हम लोग सोच के ना ऐसे अपने आप को शबाशी देंगे कि यार वो टाइम था, उस टाइम पर हम लोगों ने ये किया था, और हमें ना बहुत प्राउड फील होगा। तो बस अभी मुश्किल का टाइम है, ये ऐसे ही गुजर जाएगा और एक बहुत बड़ा अच्छा वाला टाइम आएगा हमारे सबके लिए। तो बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, तो कितना प्यार से सो रहा है ये, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बूम।